जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको इंतजार है कि कब तक लॉकडाउन हटेगा और कब तक देश में स्थिरता वापस सुचारू रूप से सभी काम होना शुरू होंगे। दोस्तों, इसको लेकर बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आ चुकी है, 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटेगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, सभी के ये डाउट चल रहा है, क्या जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा है वो कब तक होगी, ट्रेनें कब तक आपकी सुचारू रूप से चलने वाली है। इनको मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी रिपोर्ट आई है दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र और राज्यों की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके बावजूद इसके संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों में अब ये सवाल भी उठने लगा है कि आखिरी लॉकडाउन कब खत्म होगा। इन तमाम सवालों को जवाब देते हुए शनिवार को महाराष्ट्र के जो CM है उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है दोस्तों इसके बारे में कि लॉकडाउन 14 अप्रैल को हटेगा या नहीं, ये लोगों के द्वारा निर्देशों के पालन पर निर्भर करता है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर हम लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करेंगे तो कोरोना वायरस के साइकिल को जल्द से खत्म कर देंगे। घर में रहकर यूं जारी रखिए अपना काम, इसके साथ ही लॉकडाउन भी हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कोरोना अन्य देशों की तरह भारत में भी गंभीर रूप ले सकती है। महाराष्ट्र में राजनीतिक, धार्मिक या खेलकूद से जुड़े कार्यक्रमों को अगले नोटिस तक इजाजत नहीं होगी, ताकि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लोगों को आपस में मिलना जुलना न हो सके। इधर दोस्तों, रेलवे को लेकर, ट्रेनों को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। कोरोना वायरस लॉकडाउन को देखते हुए 15 अप्रैल से फिर पटरी पर दौड़ सकती है कई ट्रेनें। रेलवे ने शुरू की टिकट बुकिंग। पूरी बता देता हूं दोस्तों, जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान 14 अप्रैल तक ट्रेनों का संचालन रद्द किया गया, लेकिन 15 अप्रैल से कई ट्रेनें फिर दौड़ सकती है। इसको लेकर रेलवे ने टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। मंगलवार को RSRCTC की वेबसाइट पर लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक कराए, साथ ही कुछ ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची शुरू हो गई है। अभी स्टेशनों पर टिकट की बुकिंग नहीं होगी। हालांकि रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने यात्री ट्रेन चलाए जाने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय न आने की बात कही है। इधर रेलवे ने बंद कर रखी है ट्रेन सेवा कोरोना वायरस को लेकर। देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद रेलवे ने पहले कई ट्रेनें रद्द कर दी थी, बाद में 14 अप्रैल तक के लिए देश में ट्रेनों का संचालन ही बंद कर दिया था। इसके बाद यात्रियों के आरक्षित रेलवे टिकटों का ऑनलाइन रिटर्न की भी बात कही थी। साथ ही कहा गया था कि लॉकडाउन खत्म होने की भी बात कही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वहां टिकट बुक किए जाएंगे। हो रही है रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग। दोस्तों, 15 अप्रैल से रेल यात्रा के लिए रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू की है। बुकिंग काउंटर फिलहाल बंद है। लोगों ने तेजी से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करनी शुरू कर दी, जिससे ट्रेनों में सीटों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। सेंट्रल से नई दिल्ली को जाने वाली कानपुर शताब्दी में एग्जीक्यूटिव श्रेणी में शाम 4:30 बजे तक 34 सीट, लखनऊ से नई दिल्ली को जाने वाली पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस की एग्जीक्यूटिव श्रेणी में 12 सीट शेष है। वही महाबोधि व गोरखधाम एक्सप्रेस में स्लीपर श्रेणी में तो प्रतीक्षा सूची भी आ चुकी है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जनसंपर्क अधिकारी अमित वालवे ने बताया कि यात्री ट्रेनों को संचालन का निर्णय रेलवे बोर्ड लेगा। ट्रेनों का परिचालन कब शुरू होगा इस संबंध में अभी कोई आदेश नहीं मिला है, लेकिन उन्हीं को यहां पे भेजा जाएगा जो अति जरूरी